शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो गई, इसकी चिंता सरकार को नहीं है। शिक्षकों को पढ़ाने के काम के अलावे सरकार बाकी काम ले रही है। देखिए, ये सरकार का बुगलगी और बेतुका प्रमाण है, इसे अविलंब वापस करना चाहिए। नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं सभी मेरी स्कूल, मैं भी मौजूद हूँ आरजेडी कार्यालय पटना। मेरे साथ मौजूद है आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी जी। सिर्फ कुछ बिहार सरकार ने एक फरमान जारी किया है शराब के लिए, शराब निषेध के लिए जितनी भी शिक्षा उनको लगाया गया उन्हीं के विषय में आज उनसे जानना चाहते हैं, उनका क्या कहना है। देखिए, ये सरकार का बुगलगी और बेतुका प्रमाण है, इसे अविलंब वापस करना चाहिए। नई शिक्षा नीति के तहत यह कि शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों में नहीं लगाना, लेकिन देखा जा रहा है कि हर कार्यों में सरकार लगातार शिक्षकों को लगा रही है। शिक्षकों को पढ़ाने के काम के अलावे सरकार बाकी काम ले रही है। अब तो हद कर दी सरकार ने, जो नया फरमान जारी हुआ है उसमें तो अब शिक्षक पाठशाला में नहीं मधुशाला में घूमेंगे, शराबियों को शराब माफियाओं को खोज करेंगे, तलाश करेंगे, इसकी जानकारी सरकार को देंगे। तो सरकार ने तो एक तरह से ये तुगलकी फरमान, बेतुका फरमान जारी करके ये अपनी मनसा ही अपनी जाहिर कर दी। शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो गई, इसकी चिंता सरकार को नहीं है। और शराबबंदी कानून के नाम पर ये नाटक नौटंकी सरकार कर रही है। आए दिन लोग मर रहे हैं जहरीली शराब पीकर। शराबबंदी कानून सफल करने में सरकार विफल साबित हुई, इनकी पुलिस विफल साबित हुई। अब ये शिक्षकों को लगा रहे हैं, शिक्षकों में भारी आक्रोश है। अब लोग, शिक्षक भी सड़क पर हैं, इसका विरोध कर रहे हैं। हम उन तमाम शिक्षकों के साथ हैं जो शिक्षकों के को इस तरह का फरमान जारी करने का काम सरकार कर रहे हैं। और तो शिक्षकों को अपनी जान की भी चिंता सता रही है। शराब माफियाओं, शराब तस्करों को तो सरकार की पुलिस नहीं पकड़ पाई। अब जो काम पुलिस नहीं कर पाई वो शिक्षक से करवा रहे हैं।